मृत्यु का अनुभव, मृत्यु का भय। जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह समझता है कि शरीर के नाश होने से जीवन की नष्ट हो जाता है, किंतु जीवन शरीर का ही नहीं है। जिसका शरीर के नाश होने से नाश नहीं होता, मनुष्य योनि में प्रथम जन्म से लेकर मोक्ष पर्यंत की संपूर्ण अवधि इस जीवात्मा का जीवन है तथा यही उसकी संपूर्ण आयु है। जिसका जिस प्रकार दिन भर के श्रम के बाद मनुष्य को रात्रि विश्राम की आवश्यकता होती है, जैसे हम मृत्यु नहीं कहते हैं, उसी प्रकार शरीर का एक जीवन जीवात्मा का एक दिन है, जिसमें किए गए श्रम से थक कर उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। मृत्यु इसी विश्राम की अवस्था है। इस विश्राम काल में जीवात्मा अपनी थकान मिटाती है, जीवन में प्राप्त की अनुभवों का पाचन करती है तथा नई ताजगी के साथ नए जीवन में प्रवेश करती है। शरीर का जीवन उस जीवात्मा के संपूर्ण शरीर की एक कड़ी है। शरीर का हर जीवन उस जीवात्मा की एक कक्षा है, जिसे उत्तीर्ण कर वह अगली कक्षा में प्रवेश करता है। इस प्रकार बार बार शरीर धारण कर वह उन्नति करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही उसकी वास्तविक मृत्यु है, जिसके बाद ही उसका जन्म मरण से छुटकारा होता है। इसलिए शरीर की मृत्यु जीवात्मा के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। यदि जीवन और मृत्यु का चक्र नहीं होता तो जीवात्मा का कभी विकास नहीं हो सकता था। मनुष्य आदि सभ्यताओं से ऊपर उठ भी नहीं पाता, जिससे जीवन की इस तारतम्यता का ज्ञान नहीं होता। वही इस जीवन और इस शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझकर भयभीत होता है। मृत्यु में शरीर के अलावा कुछ भी नष्ट नहीं होता। वह जीवात्मा पुनः नया शरीर धारण करके नए शरीर में प्रवेश करता है, नया वस्त्र पहनता, नए घर में रहता, नए स्थानों पर जाना, नया वातावरण देखना, नए लोगों से मिलना, नया अनुभव करना किसे अच्छा नहीं लगता। किंतु जिसे इसका ज्ञान नहीं है वे ही रोते हैं और दुखी होते हैं, जबकि ज्ञानी इसका सहर्ष स्वागत करते हैं। जिस प्रकार अंधकार में प्रवेश करने से भय लगता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है, अन्यथा भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं। जो विद्यार्थी पूरी तैयारी करके परीक्षा में बैठता है, वह प्रश्न पत्र को देखकर कभी भी नहीं घबराता। ऐसे ही मृत्यु की पूर्ण तैयारी करने वाला उसे नहीं घबराता, जो अपने जीवन काल में समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर चुका है, जिसने जीवन का पूरा सदुपयोग किया है, जिसका जीवन सदा पवित्र रहा है, जिसने सदा दूसरों का हित चिंतन ही किया है, जो रोग द्वेष घृणा विमनस ईर्ष्या आदि की अग्नि में कभी नहीं जला है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। उसे मृत्यु एक सुखद अनुभव प्रतीत होता है। जिसने जीवन को निरर्थक कार्यों में ही गवा दिया है, जिसने अगले जीवन की तैयारी नहीं की, वही मृत्यु से भयभीत होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा तथा अगला जीवन उसे कैसा मिलेगा। ज्ञान होने पर उसका यह भय दूर हो जाता है। जीवात्मा उस परम अस्तित्व का अंग है, जिसका रूप सदा बदलता रहता है। जब उसे प्रकट होना होता है तो वह शरीर धारण करता है। शरीर नष्ट होने पर वह पुनः अप्रकट हो जाता है। स्वयं नष्ट नहीं होता। मृत्यु का अर्थ मिट जाना नहीं है, निर्माण मोक्ष में भी मिटता नहीं, उस परम अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। जन्म के बाद वह उस अस्तित्व से भिन्न दिखाई देता है, जो उसी का घनीभूत और घनीभूत रूप है, किंतु वास्तव में वह उसे सदा भी और सदा ही अभिन्न बना रहता है। जीने की वासना ही मृत्यु के भय का कारण है।
जो जितना वासनाग्रस्त होता है वह उतना ही भयभीत होता है। मृत्यु घाटे का सौदा नहीं है। मृत्यु के बाद ही जीवात्मा का नया जीवन नई चेतना से आरंभ होता है। इस जन्म के संपूर्ण अनुभव संस्कार रूप में जीवात्मा में विद्यमान रहते हैं, जिससे अगला जीवन इससे अधिक उन्नत व सुखी रहता है। मुक्ति के और मुक्ति से पूर्व बार बार जन्म मरण के चक्र से गुजरना परमात्मा का अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, जिससे चेतना निरंतर विकास हो पाता है और विकास को प्राप्त होती है, तथा वही विकसित चेतना अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। बिना बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरे मोक्ष की संभावनाएं ही समाप्त हो जाती है। जीवात्मा के पूर्ण विकास के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने अनेक जन्मों की व्यवस्था की है। इसलिए मृत्यु को हे ये मानना व उससे भयभीत होना परमात्मा में अविश्वास प्रकट करना है तथा उसकी अवमानना करना है। मृत्यु से भयभीत होने वाला उसे टाल तो नहीं सकता, बल्कि वह उसे और निमंत्रण दे देता है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने मौत को 2000 आदमी मार कर लाने का आदेश दिया। जब वह वापस लौटी तो उसने और उसके साथ 4000 आदमी थे। जब उससे जवाब तलब किया गया तो मौत ने कहा कि उसने तो 2000 मारे थे, शेष तो मरने के डर से भयभीत होकर अपने आप मर गए और उसके साथ साथ चल दिए। मृत्यु क्या है? मृत्यु इस पृथ्वी की सबसे बड़ी माया भ्रम है। वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, यह तो केवल जीवन की अवस्था का परिवर्तन है। जीवन का क्रम तो जारी रहता है। जीवन को शरीर तक ही सीमित मान लेने से मृत्यु का भ्रम होता है, किंतु जीवन शरीर का नहीं जीवात्मा का है। जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती वह आज नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता, घड़े के टूटने से भीतर का आकाश नष्ट नहीं होता। विज्ञान कहता है क्रोमोजोम की मृत्यु ही मनुष्य का मृत्यु है। ये क्रोमोजोम्स और क्रोमोजोम्स एक निश्चित अवधि तक ही सक्रिय रहते हैं, किंतु अध्यात्म कहता है कि मनुष्य एक भौतिक इकाई मात्र ही नहीं है, बल्कि एक अभौतिक पदार्थ है जो मृत्यु के समय शरीर से निकलकर शून्य में चला जाता है एवं समय पाकर पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। क्रोमोजोम्स भी उसी चेतना शक्ति से जीवित एक एवं मृत होती है। अध्यात्म शरीर को मनुष्य नहीं मानता, ना शरीर की मृत्यु को मनुष्य की मृत्यु मानता है। शरीर उस मनुष्य का निवास गृह है जिसका वह मकान की भांति उपयोग करता है। या वह आत्मा तत्व जो शरीर से निकल कर जाता है वही मनुष्य है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। इसलिए शरीर की मृत्यु मनुष्य की मृत्यु नहीं है, ना इस मृत्यु से जीवन का अंत ही होता है। मनुष्य के मृत्यु के बाद भी जीवन निरंतरण चलता रहता है। यह शरीर की मृत्यु कोई घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसका आरंभ जन्म के साथ ही होता है। जिस वस्तु का निर्माण हुआ है वह एक निश्चित अवधि के बाद अवश्य नष्ट होगा। वस्तु के निर्माण के साथ ही उसके विध्वंस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। शरीर के साथ ही यही नियम है। मृत्यु के समय ना शरीर नष्ट होता है ना आत्मा, दोनों का केवल संबंध विच्छेद होता है। शरीर से ऊर्जा के निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है, जिससे उसको मृत्यु कहा जाता है। यह ऊर्जा उस आत्मा की ही है जिसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है।
यह जीवन ऊर्जा आत्मा के रूप में समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। मृत्यु को सुखद बनाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं अपनी मृत्यु को सुखद एवं दुखद बना सकता है। इसका निर्धारण स्वस्थ चिंतन एवं हितकारी कार्यों से ही होता है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए, इसलिए मनुष्य को सदा हितकारी कर्म ही करते रहने से मन शांत एवं उद्वेग रहित रहता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसमें एक आत्मविश्वास रहता है, वह निर्भय एवं आश्वस्त रहता है। मृत्यु के भय से बचने के लिए सद्विचार एवं सत्कर्म दोनों आवश्यक है, क्योंकि दोनों का ही भिन्न भिन्न फल होता है। इन दिनों की जीवन में साधना करने वाले और करने वालों को किसी देवी देवता की उपासना आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ी आराधना एवं ईश्वर पूजा है, जिसके लिए उसे संसार में भेजा गया है। इसके अभाव में अन्य सभी साधनाएं अर्थहीन है। विवेकशील व्यक्ति कर्म एवं संस्कारों का ही परिष्कार करते हैं। मृत्यु से भयभीत होने की अपेक्षा उसकी सुनियोजित तैयारी आवश्यक है। यह मानव जीवन किसी देवी अनुकंपा से प्राप्त नहीं हुआ है, ना किसी के वरदान स्वरूप मिला है, ना किसी देवता ने उपहास या उपहार स्वरूप दिया है, ना यह कोई आकस्मिक घटना है जो अनायास एवं निष्प्रयोजन ही घट गई। यह पूर्व के सैकड़ों जन्मों के सुवासित कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है, जिससे और जिसे और अधिक उन्नत बनाने का कार्य इसी जन्म से किया जा सकता है और क्या जाना चाहिए, अन्यथा अगला जीवन इससे भी निष्कृष्ट हो सकता है। उत्तम विचार रखकर अथवा दूसरों का भला करके कोई दूसरे पर एहसास नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह उत्तम विचार हो रचनात्मक कार्य स्वयं ही उन्नति का कारण बनता है। यह शरीर अपनी भावनाओं आकांक्षाओं वासना आदि की पूर्ति का साधन ही नहीं है, बल्कि उच्चता की ओर बढ़ने का साधन भी है। इसका उपयोग इसी के लिए किया जाना चाहिए। शरीर का पोषण साध्य नहीं, साधन है। साध्य का विस्मरण कर जो शरीर पोषण में ही रहते हैं, वे अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। जो सदा दूसरों के अवगुण ही ढूंढता है, वह निद्रा ही करता है या निंदा ही करता है रहता है, वह स्वयं का विकास नहीं पतन ही कर रहा है। इसके विपरीत दूसरों के गुणों को देखने वाला अपने गुणों का तथा सत्प्रवृत्ति का विकास करता है, जो स्वयं की आत्मोन्नति का साधन बनता है। मृत्यु का अनुभव। सोने से पूर्व जिस प्रकार स्वप्न की छाया पड़ने लगती है, उसी प्रकार मृत्यु के 6 माह पूर्व उसकी छाया पड़ने लगती है। उस समय जागृत और जागरूक व्यक्ति मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है। 5-6 घंटे या 1-2 दिन पूर्व तो इसके स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिससे कई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पूर्व सूचना दे देता है। तो नित्य सोने या उठने समय प्रार्थना का प्रयोग करते हैं या ध्यान करते हैं, उन्हें भी अपने मृत्यु के समय का पता चल जाता है। निर्मित और निर्मल चित्त वालों को भी यह पता चल जाता है। मृत्यु के समय मनुष्य को विशेष अनुभूति होती है, जिससे वह घबरा जाता है, वह बेहोश हो जाता है। उसके प्राण इसी बेहोशी में निकलते हैं, जिससे उसको पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, मेरा शरीर मुझसे अलग हो गया है, अब मैं अशरीरी जीवात्मा मात्र हूँ। जो भयभीत नहीं होता, उसे अपने प्राण निकलने का बराबर ध्यान रहता है। यह जीवन भर की
की गई साधना व धैर्य के कारण ही संभव है, अन्यथा नहीं। जवानी में या दुर्घटना से मरने पर उसे अपनी मृत्यु का अनुभव होता है, किंतु 90 वर्ष का होकर मरने पर उसे इसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाले यंत्र पहले ही मर चुके होते हैं। मरते और मरे हुए व्यक्ति की स्मृति 3 दिन रहती है, फिर वह भूल जाता है। कुछ की 13 दिन रहती है। आत्मा के निकलने पर भी शरीर की ऊर्जा 3 दिन तक उसमें से निकलती रहती है। जैसे वृक्ष के कटने पर भी उसे सूखने में कई दिन लग जाते हैं। हृदय की धड़कन बंद होने पर डॉक्टर लोग मृत्यु घोषित कर देते हैं मनुष्य की, जिसे क्लिनिकल डेथ शारीरिक मृत्यु कहा जाता है। किंतु जब शरीर की संपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो उसे बायोलॉजिकल डेथ जैविक मृत्यु कहा जाता है, जिसमें 3 दिन लग जाते हैं। जैविक मृत्यु से पूर्व यदि विशेष विधियों द्वारा आत्मा का शरीर में पूरा प्रवेश कराया जाए सके तो वह पुनः जीवित हो सकता है। जैसे पौधा जमीन से उखाड़ देने पर भी थोड़ी समय बाद ये पुनः लगाने पर जीवित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, किंतु शरीर यदि बेकार नहीं हुई है तो कई अन्य आत्मा या कोई अन्य आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, जिससे वह मृत शरीर पुनः जी उठता है। ऐसे उदाहरण भी देखने में आए हैं, जैसे पूर्व में जसवीर का उदाहरण दिया गया है। मृत्यु उस स्थूल शरीर जैसा तैसा रहता है, केवल इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा उसमें से निकल जाता है। उसके बिना इंद्रियां व शरीर प्रकृति समूह मात्र रह जाता है। मृत्यु के समय मनुष्य के गत जीवन का संपूर्ण चित्र विस्तार उपस्थित होता है। जीवन में जो मुख्य प्रकृति रही उस पर जीव का प्रभाव जम जाता है। इसी से वह निश्चित हो जाता है कि वह किस लोक में रहेगा। इसके बाद इस स्थूल शरीर के भीतर का छाया शरीर इथर शरीर का स्थूल शरीर से संबंध टूटता है। मृत्यु के समय जीवन ऊर्जा सिकुड़ कर पहले एक केंद्र पर एकत्र होती है, फिर बाहर निकलती है। शरीर में प्राण सिकुड़ कर पहले नाभि पर एकत्र होता है और फिर बाहर निकलता है। यह नाभि ही जीवन एवं मृत्यु का केंद्र है। इस समय शरीर को अत्यंत प्रिया होती है, किंतु प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि उस समय मनुष्य बेहोश हो जाता है, जिससे उस पीड़ा का उसे अनुभव नहीं होता। सजगता होने पर इस मृत्यु को देखा भी जा सकता है। मृत्यु के समय समस्त इंद्रियां प्राण तथा अन्य कारण के लिंग में एक हो जाते जाने पर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है, किंतु मनुष्य बेहोशी के कारण उसे देख नहीं पाता। शरीर एक निश्चित अवधि तक ही सक्रिय रहता है, किंतु व्यक्ति की वासनाएं पूरी ना होने से वह और जिंदा रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय संघर्ष करना पड़ता है तथा उसे प्रेत योनि अवश्य भोगनी पड़ती है। शरीर की आयु निश्चित है, किंतु स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके उसे थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है। सामान्यतः शरीर के व्यर्थ हो जाने पर ही जीवात्मा उसे छोड़ती है। स्वस्थ शरीर या स्वस्थ आदमी पहली ही बीमारी में मर जाता है, किंतु 80 साल तक जीवित रहने वाले का मरना भी मुश्किल हो जाता है। जिसकी वासना जितनी तीव्र होती है, भोगने की जितनी अधिक इच्छा होगी उसकी उम्र भी लंबी होती है। कर्म फल भोग शेष रहने पर भी लंबी उम्र होती है। जिंदगी भर बीमार रहने वाले का भी मरना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य के समय जो लोग वहाँ उपस्थित हो उन्हें
शांत मन और भक्ति भाव से रहना चाहिए ताकि मरते हुए प्राणी के गत जीवन के चित्र पट दर्शन में किसी प्रकार की बाधा और शोभन हो। जोर जोर से रोने पिटने और शोक करने से उस जीव के ध्यान की एकाग्रता भंग हो जाती है। मरते जीव को जिस शांति के द्वारा सुख और सहायता मिले उस शांति को अपनी स्वार्थ हानि के दुख से भंग करना बड़ा अनुचित है। इस समय धर्म ग्रंथों का पाठ या ईश्वर की प्रार्थना आदि से उसे लाभ मिलता है। हिंदू में इस समय गीता सुनाने की प्रथा है। मृत्यु के समय उसके जीवन की पूरी फिल्म उसके सामने आ जाती है तथा अपना ही चित्त उसे स्पष्ट रूप से जीवित और जीवन में की गई सभी अच्छे बुरे कर्मों को स्पष्ट रूप से देखता है, जिससे उसे पश्चाताप होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी अनुभव होता है कि काले रंग वाले विकराल आकृति के यमदूत उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। वह यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सामने उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। फिर वह जिस लोक का अधिकारी होता है उस लोक में भेज दिया जाता है। थियोसॉफी ने भी इसे स्वीकार किया है, किंतु जो संसार छोड़ना नहीं चाहता उसी को पकड़ कर ले जाया जाता है।